हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैदिक लाइन स्किन मास्टर के मोरक्कन एर्गन ऑयल फेशियल किट का रिव्यू। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अभी तक मैंने वैदिक लाइन के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए थे, एटलीस्ट मैं यूज़ करना चाहती थी क्योंकि मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा सुना है कि उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं वैदिक लाइन के सब नेचुरल रहते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बने होते हैं। तो फाइनली कि मैंने इस फेशियल किट को यूज़ कर लिया है और उसके रिजल्ट्स आपको मेरे फेस पर दिख रहे होंगे। इसका वीडियो भी मैंने शूट करके रखा है कि इसको मैंने यूज़ करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है और इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं और किस किस प्रोसीजर के साथ इसे यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है वैदिक लाइन स्किन मास्टर का मोरक्कन एर्गन ऑयल फेशियल किट, और जो कि एंटी एजिंग वर्क करता है, जो कि एक वाइटनिंग इफेक्ट देता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है एंड हमारी स्किन का जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है। ये ड्राई स्किन, रिंकल स्किन या टैन स्किन सब पर वर्क करता है। हमारी ब्लेमिश स्किन होती है उसको रिपेयर करता है। और इसके पीछे यहाँ पूरे स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एंड ऑल स्टेप यहाँ मेंशन है कि आपको कौन सी चीज़ को कितने टाइम तक यूज़ करना है, कितने मिनट, कितने सेकेंड यूज़ करना है। एंड इसका प्राइस है 200 रुपीज़, बट ये मैंने स्वीटन से परचेज़ किया है ओनली 140 रुपीज़ में, और इसकी शेल्फ लाइफ रहती है 3 ईयर्स की। और इसके यहाँ सब जितने भी इसके अंदर पाउचेस दिए गए हैं, सैशे दिए गए हैं, सब की क्वांटिटी दी गई है 7 ml, 10 ml। तो कुछ 6 पाउचेस इसके अंदर होते हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 6 तक। जो स्टेप 5 है वो स्टेप 7 में भी फॉलो करता है। तो इसकी जो स्टेप है वो 7 है, बट इसके अंदर जो पाउचेस दिए गए हैं वो ओनली 6 दिए गए हैं, बिकॉज क्योंकि जो नंबर 5 का स्टेप है वो 7 में भी सेम फॉलो ही होगा। तो इस तरह से कुछ पाउचेस दिए गए हैं। हर पाउच के बैक साइड में उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं कि किस सीरम को, स्क्रब को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। तो चलिए अब इसको यूज़ करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पर यूज़ करते हैं हम क्लींज़र, जो कि क्लींज़र पाउच इसके अंदर दिया गया था और जिसका अमाउंट है 7 ml का। ये जो फेशियल किट है कम से कम 3 टाइम आपकी अच्छे से यूज़ हो जाती है, तो इसका कुछ अमाउंट अपने हाथों पर लेना है। हम इसे फेस वॉश भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसकी जो फ्रेगनेंस है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे इसका क्लींजर बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आया। इसके लिए इस किट के बाहर मेंशन है कि आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर टोनर नहीं दिया गया है, बट लेकिन अगर आपको टोनर यूज़ करना है तो वो आप अलग से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टोनर होता है रोज़ वाटर, और वो हर गर्ल के पास मिल जाता है। तो मैंने टोनर की जगह रोज़ वाटर यूज़ किया है एंड क्लींजर मेरा हो चुका है। आपको क्लींजर को यूज़ करना है ओनली 1 मिनट एंड सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग का। तो स्क्रब को जो है 1 से 1 या 2 मिनट आपको अपने फेस पर स्क्रबिंग करनी है, नॉर्मल मसाज करनी है अपने फेस पर सर्कुलर मोशन में। एंड आफ्टर दैट आप देखेंगे कि आपका जो फेस है वो स्क्रबिंग के बाद ही बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। मुझे इसका स्क्रब बहुत ज़्यादा पसंद आया था, फर्स्ट क्लींजर भी बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड सेकेंड इसका जो स्क्रब है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओनली अगर हम स्क्रबिंग भी करते हैं तो तब भी हमारा फेस जो है एक अच्छे से ग्लो करता है। एंड इस फेशियल किट की जो फ्रेगनेंस है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैंने जो वीडियो है इसको थोड़ा कट करके एडिट किया, फास्ट किया ताकि बोरिंग ना हो जाए। एंड नंबर 3 पर है नरिश, एंड जो कि मेन फेशियल का पार्ट है, और इसको आपको अपने फेस पर 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज करनी है। आप इसे अपने नेक एरिया पर कर सकते हो, अपने नेक पर, बैक एरिया पर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ होनेस्टली बताऊं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस क्रीम को यूज़ ना करें, बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है और एक दिन तक पूरा आपका फेस बार बार ऑयली रहता है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये पूरा फेशियल बिल्कुल फिट नहीं बैठेगा। स्क्रबिंग तक तो बहुत अच्छे से इसका ग्लो आया है, लेकिन अगर बात करूँ इस नरिश की, नरिश मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। एंड 4 स्टेप है ऑप्शनल जो कि आता है जेल का। तो जेल के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं सीरम, या फिर आप अलग से भी जेल की मसाज कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ जेल की मसाज अलग से की है, तो ये जेल भी इसका मुझे बहुत पसंद आया। फर्स्ट, सेकंड एंड 4 स्टेप इसके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, बजाय कि 3rd स्टेप नरिश के, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑयली था। एंड मैं ये फेशियल है समर्स में कर रही हूँ, और समर्स में स्किन आपको पता है कभी कभी ज़्यादा स्वेटिंग करती है, तो ये मुझे 3rd स्टेप इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो 4 स्टेप भी मेरा हो चुका है एंड 5th स्टेप जो रहता है एक्स्ट्रा केयर, इट मीन्स कि इसके अंदर दिया गया है सीरम।
तो सीरम की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा निकल गई थी, तो सीरम की जो मसाज है वो हमने अपने फेस पर 2 से 3 मिनट करनी है। जब तक ये हमारी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो जाता, तो 2 से 3 मिनट मैंने अपने फेस पर इसको अच्छे से मसाज दिया। बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज देना है। फेशियल करने के लिए हम थोड़ा फास्ट या फिर थोड़ा हार्ड हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरम अपने फेस पर यूज़ करें तो अपने हाथों को बिल्कुल लाइट रखना है। बिल्कुल हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पर मसाज देनी है। आप अपने नेक एरिया को कवर कर सकते हैं, एंड जैसे ही आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए तो आप इसे वॉश नहीं करेंगे, आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और आपका स्किन जो है काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी आपकी स्किन लाइटन लगेगी एंड ग्लोइंग लगेगी। तो ये मेरी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है, एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ करने वाली हूँ इसका फेस पैक, जो कि हमारी स्किन को रिजुवेनेट करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारी स्किन को रिंकल फ्री करता है। एंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसको यूज़ करने के लिए जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है रोज़ वाटर, ताकि ईजिली मेरे फेस पर लग जाए। एंड इसको मुझे ड्राई करना है, एंड आफ्टर दैट मैं अपने फेस को वॉश कर सकती हूँ। बट वॉश कर जब भी हम कोई फेस पैक लगाते हैं तो उसे वॉश करना थोड़ा सा इजी नहीं रहता, तो इसको वॉश करने के लिए भी एक प्रोसीजर है। आपको अपने फेस पर थोड़ा सा टोनर स्प्रे करना है, आफ्टर दैट आप इसे मसाज कीजिए बिल्कुल कुछ 10 से 12 सेकंड की, एंड आफ्टर दैट आप इसे वॉश करेंगे तो ये आपके फेस से इजीली रिमूव हो जाएगा। तो मैं अभी अपने फेस को वॉश करके आपको दिखाती हूँ इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, फेस ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले मैं स्पंज की हेल्प से इसे क्लीन कर लेती हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं इसे वॉश करती हूँ। और वॉश करने के बाद देखिए फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है, लेकिन होनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि मुझे इसका जो थर्ड पॉइंट था वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज ये मैं अगर इसको रिकमेंड करूँ तो ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड नंबर 7 पर जो नंबर 5 था उसी का सीरम अपने फेस पर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, एंड इसके बाद पूरा दिन स्किन पर कुछ भी नहीं लगाना, बिकॉज सीरम जो है काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। और मैंने फेशियल भी कर लिया है जो कि थोड़ा ऑयली था, तो मैं इसे ऑयली स्किन वालों को रिकमेंड नहीं करती, होनेस्टली बता रही हूँ। जैसे मैंने इसके बारे में ऑब्जर्व किया है, इसको यूज़ करने के बाद 1 दिन तक स्किन जो है थोड़ा ऑयली रही, एंड आफ्टर दैट 2nd डे बहुत अच्छा ग्लो आया। तो कंक्लूजन ये है कि इसको सिर्फ ड्राई स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले ही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन दिया गया उसे भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।